हेलो अच्छो, एक बार फिर मैं आपके साथ है ना। जेई मेंस का शिफ्ट वन का पेपर है जो कि आज लास्ट दिन 1 फरवरी का पेपर, ठीक है। इसको डिस्कस करने वाला हूँ। जितने क्वेश्चन मुझे मिल गए हैं उतने क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी जितने क्वेश्चन अभी कुछ पार्ट उसके नहीं मिल पाए हैं, मिसिंग है, वो पार्ट अगर मिल जाते हैं कम्प्लीटली तो मैं आपके साथ कंप्लीट पूरी केमिस्ट्री इसमें डिस्कस कर दूंगा, ठीक है ना बेटा। और आपका रिजल्ट जो भी हो बेटा, आपका रिजल्ट वीक है ना, आप कम आया हुआ है, आपको और अच्छे से एनालाइज करके मेहनत करना है। आपको एनालाइज करना है, बहुत जरूरत है एनालाइज करने की, क्या पार्ट आप मिस कर रहे हो, क्या पार्ट आपका वीक है। इसीलिए जेई मेंस के 2 पेपर रखने का मेन रीजन यही है। अगर पहले पार्ट में आपका वीक हो जाता है, कोई पार्ट आप नहीं कर पाते हो, उस पार्ट को वापस एनालाइज करके ठीक करना, अगले पार्ट में उस पार्ट को ठीक करना, ठीक है ना बेटा। तो आपको एनालाइज करना है कि आपका फिजिक्स वीक रह गया है, क्या वीक रह गया है, आपको सब पता चलता है एग्जाम के बाद, है ना। आपको एहसास होता है कि आपका कौन सा पार्ट वीक रह गया है और आपको एनालाइज करना है, आपको प्रॉपर सॉल्व करना है, सारे शिफ्ट सॉल्व करना है, आपको सारे शिफ्ट को एनालाइज करके देखना है ना, कि कौन से पार्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं। पेपर बहुत सिंपल है, केमिस्ट्री स्कोरिंग रहती है, केमिस्ट्री बहुत स्कोरिंग रहती है ना। आपके 80 से 90 मार्क्स तो आपको कट ऑफ तो केमिस्ट्री करा देगी, ठीक है। 80-90 मार्क्स आपके तो केमिस्ट्री में ही आ जाएंगे, ठीक है, बड़े आराम से। तो आपको मेरे डायरेक्टली मेरे नोट से क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। मैं पहले आपको बोल दे रहा हूँ, डायरेक्टली नोट से क्वेश्चन, कई सारे शिफ्ट में डायरेक्टली नोट से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपको नोट्स अगेन अगेन रिविजन करना है, क्वेश्चंस एनालाइज करना है, सॉल्व करना है, ठीक है, और लग जाना है। डिमोटिवेट नहीं होना है, अच्छा हुआ हो या खराब हुआ हो, डिमोटिवेट बेटा नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है। देखो मैंने आपको बताया भी था कि एक एग्जाम से चीजें डिसाइड नहीं होती, आपको फटाफट आगे भी एग्जाम देने हैं, है ना। आपका अगला एग्जाम जो है अप्रैल में होगा, तो उसके लिए लग जाओ। साथ में ट्वेल्थ वाले होंगे, सीबीएसई देना होगा, जो ड्रॉपर वाले होंगे डायरेक्टली उनके पास ज्यादा टाइम है, ठीक है। तो सीबीएसई देने के लिए भी आप चैप्टर को ऐसा पढ़ो कि जेईई मेंस में काम आ जाए, ठीक है, क्योंकि आप उसमें एनसीईआरटी पढ़ोगे, आप एनसीईआरटी पढ़ोगे आपके लिए जेईई मेंस में वो हेल्पफुल होगा। तो आपको सीबीएसई पैरेलल विद जेईई मेंस से चलना है, ठीक है ना। सीबीएसई के पैरेलल में जेईई मेंस से चलना है, और कैसे चलना है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मैं इसके ऊपर एक ठीक है वीडियो बना दूंगा कि आप कैसे जो है सीबीएसई को साथ में लेकर, क्लास 12th को साथ में लेकर कैसे जो है बोर्ड में भी नंबर अच्छा लाएं और साथ में जेईई मेंस में भी अच्छा नंबर अच्छा लाएं, क्योंकि जो बोर्ड में आप पढ़ने वाले हो वो बहुत काम आने वाला है। क्योंकि आप इस बहाने बहुत सारे बच्चे एनसीईआरटी स्किप करते हैं, चीख चीख के चिल्ला चिल्ला क्लास में बताया कि एनसीईआरटी पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, है ना। तो एनसीईआरटी वो नहीं पढ़ते हैं, एनसीईआरटी नहीं पढ़ने का रीजन यही है, जो केमिस्ट्री में स्कोर कम आ रहा है। केमिस्ट्री में स्कोर कम तभी आएगा क्योंकि एनसीईआरटी का एक पॉइंट है ना इंपॉर्टेंट है ना खासकर केमिस्ट्री में। तो आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे, है ना, एनसीईआरटी जब आप पढ़ते हो तो वही चीज आपका बोर्ड में भी काम आ जाएगा और आपके जेईई मेंस में काम आ जाएगा बेटा। तो आपको दोनों पैरेलल चलना है, ठीक है। एक दो सब्जेक्ट एक्स्ट्रा रहेंगे, उसको बोर्ड में एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, बाकी सारी चीजें। तो आप ये मत सोचो पहले बोर्ड है, बोर्ड मेहनत करें कि जेईई मेंस पे करें, आप दोनों को पैरेलल लेकर चल सकते हो, ठीक है। जिस चैप्टर को आप बोर्ड के लिए तैयार करो, लग जाओ आज से, जिस चैप्टर को आप बोर्ड के लिए तैयार करो उसी चैप्टर का जेईई मेंस भी तैयार कर लो, उसी चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उस चैप्टर के एनालाइज कर लो, प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन सॉल्व करो साथ में प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लो, ठीक है। लग जाओ आज से, आज का एक शेड्यूलिंग हो जाना चाहिए कि कितने चैप्टर्स आपके बोर्ड में आ रहे हैं, कितने चैप्टर बोर्ड में नहीं आ रहे हैं। तो अगर 12th आपका बोर्ड के साथ जेईई मेंस 12th खत्म हो जाएगा, बोर्ड खत्म होने के बाद 15 से 20 दिन का समय रहेगा, उसमें 11th आप रिवाइज करो, उस पार्ट में आप 11th रिवाइज करो, 11th रिवाइज करके उसको क्वेश्चन कर डालो, फिर लास्ट में लास्ट के 5-6 दिन जो है आप एक फुल टेस्ट दे दो अपनी टाइमिंग की प्रिपरेशन के लिए, और फिर से लग जाओ। जिनका नंबर खराब रहा है बेटा वो एनालाइज करके बेस्ट कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे रिजल्ट देखे हैं जो 2-3 महीने में अच्छे हुए हैं, बहुत अच्छे हुए रिजल्ट, है ना। आपके पास है 2 महीने का समय अगले मेंस के लिए है, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। और जिन बच्चों को एडवांस अभी इस वाले में बहुत चला गया है, वो एडवांस के लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है बेटा, लग जाओ अभी से, लग जाओ, है ना, एडवांस के लिए। और पूरी प्रॉपर एडवांस के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर एनालाइज करना है, जरूर सॉल्व करना है। कैसे क्वेश्चन जेई बनाता है, जेई को समझना बहुत जरूरी है, है ना। पता लगा कि आप जेई को समझ नहीं रहे हो, आप एक्स्ट्रा चीजें पढ़ रहे हो, बहुत एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, रिविजन अगेन एंड अगेन करना है, रिविजन अगेन एंड अगेन करना है, ठीक है बेटा। और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं पीआरकी के, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग शिफ्ट वन का पेपर जो आज का है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ, है ना। डिमोटिवेट मत हो, बिल्कुल भी नहीं होना है, आपको एनालाइज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना, ठीक है बेटा। तो पेपर जो वन आपका यहाँ पे चल रहा है, शिफ्ट वन का जो पेपर हुआ है, इसमें केमिस्ट्री के जितने क्वेश्चन मुझे मिले हैं अभी तक, 4 क्वेश्चन मेरे सामने हैं, अब बाकी क्वेश्चन सभी मेरे पास आ जाएंगे, है ना। जितने क्वेश्चन आ जाते हैं सारे क्वेश्चन मैं 1 बाय 1 डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आए हुए आज का पेपर केमिस्ट्री का, बहुत सिंपल, है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन स्ट्रक्चर के ऊपर है ना, Mn2O7 का यहाँ पे दिया है कि स्ट्रक्चर में X जो है वो MnMn बॉन्ड है, Y जो है नंबर ऑफ MnOMn बॉन्ड है, ठीक है, और बताया है, पूछा है X प्लस Y क्या होगा। बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर है इसका, है ना, अगर आप ना क्लास में पढ़े हो तो बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है। आप जानते हो ये Mn और Mn के बीच में एक ब्रिज बॉन्डिंग होगी, फिर यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, और फिर यहाँ पे ऐसे आपका डबल बॉन्ड O, और फिर
डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और दिख रहा है ऑड है, इस तरह से बनने वाला है ठीक है। और आपको आपको पता होना चाहिए कि तो जो है ये आपका प्लस सेवन दिखा सकता है, यहाँ प्लस सेवन दिख भी रहा है। अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो कितना आएगा, आपका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो कितना आएगा, प्लस सेवन आएगा। तो यहां से आप सोच सकते हो कि प्लस सेवन का मतलब कैसे 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 यहाँ पे बॉन्ड बने होंगे, है ना। तो माइनस टू माइनस टू माइनस टू और ये ले जाएगा माइनस वन, इससे ले जाएगा माइनस वन, ये भी माइनस टू ठीक है। तो इससे इससे आपको मालूम चल जाएगा ओ क्या आने वाला है, बीच में आने वाला है ठीक है। तो अब यहां से बताओ कितने एमएन एमएन बॉन्ड है, एमएन एमएन बॉन्ड कितने हैं, जीरो बॉन्ड है। और एमएन ओ एमएन बॉन्ड कितना है, एक बॉन्ड है, दिख रहा है साफ साफ, कोई एमएन एमएन बॉन्ड नहीं है, एमएन ओ एमएन बॉन्ड है। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी आपकी वन ठीक है बेटा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ठीक है। इसके बाद बोला है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, डायरेक्टली नोट से क्वेश्चन है, हर किसी टीचर ने पढ़ाया, ऐसा नहीं सिर्फ मैंने पढ़ाया, हर किसी टीचर ने पढ़ाया होगा है ना, हर कोचिंग हर इंस्टीट्यूट के टीचर ने पढ़ाया होगा ये चीज है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है केटीजी का। अब बताओ केटीजी का मैक्सवेल जनरलाइजेशन क्या था, कि क्या था बताओ, उसमें आप पोस्टुलेट पढ़ते हो उसमें भी लिखा हुआ है ना कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन ओनली ओनली लिखा हुआ है, वहां पे प्रॉपर लिखा हुआ है ओनली ऑन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो वहां पे आप जानते हो साफ साफ वो स्टेटमेंट है पोस्टुलेट का है ना, जिसको बाद में मैक्सवेल द्वारा प्रूफ करके आप प्रॉपर पढ़ते हो केटीजी में ठीक है। तो वहां पे डायरेक्टली क्या लिखा हुआ है कि नेचर ऑफ आइडियल गैस, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस बिल्कुल ये सब गलत है, क्या है टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है डायरेक्टली। आप जानते हो आपने ये भी पढ़ा होगा 3/2 के टी है ना, के टी है ना, के क्या है आपका बोल्ट्जमैन, के क्या है आपका, के है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, के क्या है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है ना। के इक्वल टू आप जानते हो, के इक्वल टू क्या होता है आर बाई एन ए, आर बाई एन ए, आर क्या है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एन ए क्या है आपका एवोगाड्रो नंबर। और आप ये सब पढ़ चुके हो, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली आपका आता है यहाँ पे। तो इस तरह की बातें हम लोग कर चुके हैं ठीक है ना, इस तरह की बातें हम क्लास में कर चुके हैं और आप हर टीचर ने किया हुआ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, डायरेक्टली स्टेटमेंट है एकदम ठीक है, हर टीचर ने पढ़ाया होगा। अब इसके बाद थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ आता है, ये भी क्लास की क्वेश्चन है, क्लास का नोट से क्वेश्चन है ठीक है ना। विच आर फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स है मैक्सिमम स्प्लिटिंग, किसमें स्प्लिटिंग में बहुत ज्यादा होगा, किसमें स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। आप जानते हो कि कॉम्प्लेक्स में जो डीसीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी मैंने आपको उसमें पढ़ाई है कि जब आपके डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो अब सेम एनर्जी पे नहीं रहते, क्यों, क्योंकि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिगेंड्स की इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से क्या हुआ, उसमें क्या हुआ स्प्लिटिंग हो जाती है। अब स्प्लिटिंग हो जाती है तो आप देखते हो आपका ईजी टू टू जी आपने सब पढ़ा होगा है ना, तो उसी एनर्जी पीछे गया, क्या बोलते हो स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हो ठीक है। तो वहां पर जो स्प्लिटिंग मैक्सिमम किसमें होगा, तो मैक्सिमम डिपेंड करता है आप जान लो पहली बात तो किसके ऊपर, सेंट्रल एटम के ऊपर जो चार्ज है उसका ऑक्सीजन नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, और लिगेंड्स के नेचर पर डिपेंड करता है, लिगेंड से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। मैंने क्लास में आपको टेबल लिखवाया हुआ है, टेबल बताया हुआ है कि कैसे जो है Fe2+ और Fe3+ में क्या अंतर आता है, कितना अंतर आता है, बहुत हाई अंतर आता है, CO2+ CO3+ में क्या अंतर आता है CO4+। तो आप जानते हो कि जब जब चार्ज ऑक्सीजन नंबर बढ़ता है तो स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ जाती है, और साथ में लिगेंड के नेचर पे भी। तो यहां पे जो क्वेश्चन बनाया है वो एनसीईआरटी क्वेश्चन, क्योंकि एनसीईआरटी में इनके ऑक्सीजन स्टेट का नेचर का क्वेश्चन नहीं है लेकिन एडवांस में पूछ सकता है, तो मैंने वो प्रॉपर बताया हुआ, लेकिन जेई मेंस में जो है ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया है। तो यहाँ पे क्या बोला, सबका चार्ज लगभग सेम है, सबका चार्ज सेम है, देखो सबका ऑक्सीजन नंबर कितना है, सबका ऑक्सीजन नंबर सेम है, Fe2 यहाँ पर भी है, Fe2+ यहाँ पर भी है, Fe2+ यहाँ पर भी है, Fe+2 यहाँ पर भी है ठीक है, सबका ऑक्सीजन नंबर सेम है, प्राइमरी वैलेंसी सेम है। अब बात आती है कि लिगेंड के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, तो पूरा क्वेश्चन किसके ऊपर है, लिगेंड के नेचर के ऊपर ठीक है ना। तो अच्छी बात यह है कि एनसीईआरटी में इतना ओवर नहीं जाएगा, एनटीए इतना बाहर लेकर नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आपको एडवांस के लिए तैयार होना चाहिए, एडवांस में क्वेश्चन पूछ सकता है प्रॉपर, उसमें जो टेबल आपको लिखाई गई है उसको ध्यान रखना है ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ देखो FeCN6 है ना, Fe3+ है, तो बताओ आपको याद होगा है ना, सी डोनर अच्छे से याद होगा, एन डोनर, ओ डोनर, फिर क्या था आपका बोलो हैलाइड। तो यहाँ पे आप जानते हो CNX, और आप जानते हो सी डोनर, एन डोनर, ओ डोनर, फिर हैलाइड है। तो आप बताओ सी डोनर, एन डोनर, आप प्रॉपर बताया हुआ है कि मैक्सिमम आपका नेचर था, यहाँ पर रीजन बताया हुआ है प्रॉपर है ना, ये सब बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इतना ध्यान रखो साइनाइड जो है क्या होगा, साइनाइड मैक्सिमम दिखाएगा यहाँ पर, फिर क्या दिखाएगा, अमोनिया दिखाएगा। अब आपको बात आती है सी डोनर आपका साइनाइड है, फिर अमोनिया एंड डोनर है, इसमें लेकिन पूछा क्या है, क्वेश्चन सिंपल ये पूछ लिया है, आपको तुलना नहीं करनी है, सिंपली पूछ लिया है किसका मैक्सिमम है, साफ साफ दिख रहा है बेटा है ना, देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। पहले लेकिन चेक जरूर कर लेना कि सबका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए, सेंट्रल एटम का सेम होना चाहिए, ये जरूरी है, अगर सेम नहीं होता है तो उसका इफेक्ट आ जाता है, उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है ठीक है ना। इसके बाद अब एक क्वेश्चन देखो,
है ना, एक क्वेश्चन किसका आ गया, एक क्वेश्चन आ गया आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेरे पास है, और यहाँ पे पूछा क्या है ना, विच आर फॉलोइंग कंपाउंड शो द फास्टेस्ट रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, है ना, फास्टेस्ट रेट किसके ऊपर, आप जानते हो डिहाइड्रेशन मतलब क्या हो गया, एलिमिनेशन, अब एलिमिनेशन का मतलब क्या हो गया, ईवन या ई2, है ना, ईवन सीबी भी होता है लेकिन यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, ईवन ई2 आप देखो, आप ईवन ई2 एलिमिनेशन की बात कर रहा है ना, रेट एलिमिनेशन, तो बताओ अगर मैं आप ईवन से देखें एक बार, है ना, ईवन में क्या होता है, कार्बोकैटायन फॉर्म होता है ना, आपके OH को निकालना है, H2O निकालना है, डिहाइड्रेट करना है, ठीक है, तो H2O निकालना है, आप बताओ अब एक काम करो, सब में OH निकाल के देखो कार्बोकैटायन क्या बनता है, अगर आप यहां इसको OH निकालते हो तो यहां प्लस बनेगा, इसको OH निकालते हो तो यहां प्लस बनेगा, यहां से OH निकालते हो तो यहां प्लस बनेगा, और यहां से OH निकालते हो तो यहां प्लस बनेगा, ठीक है, अब देखो कि किसमें रेट डिपेंड करेगा कि आपके कार्बोकैटायन की कितनी स्टेबिलिटी है, है ना, रेट जो डिपेंड करने वाला है उस पर, जो आपका कार्बोकैटायन बन रहा है उसकी कितनी स्टेबिलिटी है, आप बताओ, इसको हटाने के बाद बेंजीन रिंग के ऊपर प्लस चार्ज, है ना, अनस्टेबल है, हाई अनस्टेबल है, बोलो, इसके बाद क्या है, यहाँ sp2 है, जाहिर सी बात है sp2 पर प्लस चार्ज, आप जानते हो sp2 इज मोर इलेक्ट्रॉन sp3, है ना, और sp2 प्लस चार्ज क्या होगा, लेस स्टेबल, अब बात करते हैं ये कैसा है, ये sp3, जाहिर सी बात है यहाँ पे जो कार्बोकैटायन था, यहाँ पे जो था आपका कार्बन कैसा था, sp3 था, पहली बात, तो ये दोनों तो कैसे हो गए, ये तो आपके ऑप्शन कट गए, डायरेक्टली कट गए, क्योंकि sp2 था और साथ में तो बेंजीन रिंग है पूरी पूरी, प्लस चार्ज क्या होगा, है ना, अनस्टेबल होगा, अब बात आती है यहां पर sp3, और ये भी sp3 है, अब दोनों sp3 होंगे तब क्या देखेंगे, अब देखेंगे कि इस प्लस चार्ज को कौन स्टेबल कर रहा है, तो ये प्लस चार्ज इस वाले पाई के साथ क्या आ रहा है, रेजोनेंस में आ रहा है, ये वाला प्लस चार्ज, तो आपका जो कार्बोकैटायन बन रहा है ये ना प्लस चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो यहां से क्या होगा, यहां से ये इसकी तरफ क्या होगा, ये इसको स्टेबल करेगा, ठीक है, अब बताओ लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर जो है यहां पर रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन कौन हो गया, ऑप्शन सी हो गया बेटा, है ना, तो बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन बना दिया है इसे भी, है ना, बहुत सिंपल इजी क्वेश्चन, फास्टेस्ट रेट ऑफ डिहाइड्रेशन की बात किया है बेटा, है ना, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन बन गया है, ठीक है, ये चार क्वेश्चन मेरे पास थे, इन चारों क्वेश्चन को आप फटाफट एनालाइज कर लो, कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली नोट से आ रहे हैं, है ना, बहुत क्वेश्चन सिंपली एनसीईआरटी के लिखे हुए पार्ट है, एनसीईआरटी से बाहर नहीं जा रहा है, ठीक है ना, तो एनसीईआरटी केमिस्ट्री के अंदर मस्ट है, अच्छे से रीड करो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से एनालाइज करो, ठीक है ना बेटा, जिनसे जो गलतियां हो गई हैं उसको हम उसे ठीक करो बेटा, अगला पेपर फिर से है, बार बार मौके मिलते हैं मौके, ऐसा नहीं है मौका नहीं मिलता, तो आपका अभी पेपर जो हुआ है ना जेई मेंस अप्रैल में फिर से होगा, जिनका पेपर खराब गया है उसको ठीक करो, उसको अच्छे से और एनालाइज करो, और अगले पार्ट में अच्छा करके फिर एडवांस की तैयारी करो बेटा, अल्टीमेट गोल क्या है, एडवांस IIT पहुंचना है, तो IIT पहुंचने के लिए बेटा, और जिनका पेपर अच्छा चला गया है, बहुत अच्छा गया है, वो अभी से लग जाए, वो अभी से एडवांस लग जाए, और अच्छी बात यह है कि मैं आपको एक बात खुशखबरी बता दूं कि मैं आपको जो है एडवांस के क्वेश्चंस को सिर्फ क्वेश्चंस के द्वारा थ्योरी कैसे वहां पे यूज होती है चैप्टर वाइज है ना, जो क्वेश्चंस होंगे एडवांस के एक दो क्वेश्चन करके मैंने वीडियो बनाऊंगा, उन क्वेश्चन को आप देखना है कैसे एडवांस क्वेश्चन हैंडल करते हैं, देखो एक अप्रोच होता है क्वेश्चन अटेंड करने का, वो अप्रोच एडवांस में सीखना बहुत जरूरत है, वहां पे स्पीड से ज्यादा है ना कॉन्सेप्ट का खेल है, ठीक है, कॉन्सेप्ट कैसे आप लगाते हो, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होंगे, जेई मेंस में आपकी स्पीड भी चाहिए, आपकी एक्यूरेसी भी चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट भी चाहिए, लेकिन वहां पे जो है आपको जो है कॉन्सेप्चुअल खेल बहुत ज्यादा है, ठीक है, एडवांस को कैसे अटेंड करते हैं, कैसे क्वेश्चंस करते हैं, मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको सिखाऊंगा, जैसे ही और क्वेश्चन मिलते हैं मैं इसके पार्ट टू में आपको फिर से मिलूंगा, है ना, पार्ट टू में आपको मिलूंगा, बाई क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज के पेपर का, ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय।